हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी इस बार कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। तो याद रखना भाई, ये वाली जो सीरीज है ना वो केवल बिजनेस स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस मैथमेटिक्स है या फिर आपका सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है तो आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल नहीं है, आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। ठीक है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर चलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और चलते हैं मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो टॉपिक अभी नहीं बन रहा, उसकी सीरीज बाद में बनाई जाएगी। अभी फिलहाल जो बन रही है सीरीज वो बन रही है बिजनेस स्टैटिक्स के लिए। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके मैच करते होंगे लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप ये वाली सीरीज देखोगे। सिंपल, क्योंकि इसके अंदर अलग टॉपिक है सर। इसके अंदर मतलब खुद प्रोसीजर्स क्यूनेस है और चलते हैं और भी काफी सारी चीजें जिसके अंदर चलते हैं आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट्स आ जाएंगे जो कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, आप बिजनेस मैथमेटिक्स देखिए या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स देखिए, उनके लिए सीरीज नहीं है। केवल सीरीज है किसके लिए? बिजनेस स्टैटिक्स वालों के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिक्स है, चाहे आप कोई से भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बिजनेस स्टैटिक्स वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आपका सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे बीकॉम ऑनर्स के, बिजनेस स्टैटिक्स आपका चैप्टर है तो आप देख सकते हो। मेनली जो बनाई जा रही है वो 3, 4, 5 सेमेस्टर वालों के लिए बनाई जा रही है। हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई सेमेस्टर है तो आप आराम से देख सकते हो। केवल बस बुक का याद रखना, बिजनेस स्टैटिक्स होनी चाहिए। बच्चे भाई काफी बार कंफ्यूज होते हैं बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के बीच में, समझा? तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स है तब भी नहीं देख सकते आप ये वाली सीरीज, आपको केवल बिजनेस स्टैटिक्स वाली ही सीरीज देख, मतलब ये वाली बिजनेस स्टैटिक्स वाली है, समझा? हाँ, स्टार्टिंग में मेन मीडियम मोड तो सेम रहेगा लेकिन आगे जाके चेंज हो जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप एक दो चैप्टर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि चैप्टर मैच हो जाएंगे एक दो, लेकिन बाकी के जो चैप्टर होंगे वो आपसे मैच नहीं होंगे। आपके चैप्टर अलग रहते हैं, हमारे चैप्टर अलग रहते हैं। ठीक है, उसकी सीरीज बाद में बना दूंगा मैं अगर आप बोलोगे तो। हाँ जी, शुरू करते हैं। फिलहाल आज करने वाले हैं चैप्टर 1, यानी कि आज पहली बुक है पूरी सीरीज की, इसलिए मतलब पहली वीडियो बन रही है पूरी सीरीज की, आज से ही शुरुआत हो रही है, तो ध्यान से तरीके से देख लेना। अगर आपको पूरी सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, हर एक प्लेलिस्ट का, पूरी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है वहाँ पे, तब देख सकते हो आराम से। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाना है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में समझाना है। तो फोकस करो थोड़ा सा, जो आपकी ये वाली बुक है ना भाई, इसका जब एग्जाम आएगा, मतलब कॉलेज में जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें ज्यादातर थ्योरी नहीं आएगी, उसके अंदर ज्यादातर आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर, मतलब पूरी बुक के अंदर। आपको थ्योरी की जगह पे समझा, थ्योरी की मत करने की कोशिश करना है ज्यादा इतनी, जितनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, समझ जाओगे आराम से। तो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखना है आज, और हमें सीखना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो भाई 2-3 वीडियो बन सकती है इसकी, बड़ा चैप्टर है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अंदर आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस आराम से हो जाएगा फिर सॉल्व। चलो करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हमें जो सीखने के लिए बोल रहा है वो कह रहा है कि बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा बताया, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलता हूँ सीधा, इसको डिवाइड करना है हमको, किसमें डिराइव करना है, इससे सीरीज, क्या बनानी है इससे हमें सीरीज। सिंपल, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, सीरीज। यानी कि सबसे बेसिक कंसेप्ट जो होता है, देखो डेफिनेशन वेफिनेशन भी नहीं जा रहा मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, जो पेपर में आएगा वो एक टॉपिक करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, आज ताकि आपका हो पाए, और थोड़ा बहुत जो उसके लिए जरूरी होगा वो मैं बता दूंगा, और थ्योरी है भी नहीं इसके अंदर कुछ भी, स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू होगा इसके अंदर। शुरू करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम बोल रहे हैं सीरीज अब से। ठीक है, तो सीरीज जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि इसके हिसाब से, सीरीज के हिसाब से। तो सीरीज जो होती है वो दो तरह की होती है, कितने तरह की, दो तरह की सीरीज हमेशा कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहली जो सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। पहली सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज, और जो दूसरी सीरीज होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नाम ही है उसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब भैया ये इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की खास बात क्या होती है, समझिए। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है ना उसकी खास बात होती है कि उसमें केवल एक ही वेरिएबल रहता है, एक ही वेरिएबल मतलब सारा डाटा इसी तरीके से लिखा हुआ, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 4, 9, 5, 6, 2, 4, 9, 8, 2, इस तरीके से आपको सारा का सारा डाटा दिया जाएगा, समझ में, इंडिविजुअल एक ही लाइन में एक ही डाटा के अंदर। और जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है ना, आपने पहले कर रखी है सब चीजें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज है इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक तो एक्स और दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, समझ में, एक तो वेरिएबल होता है एक्स और दूसरी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसी को अगर चेंज करना चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे वन है तो वन कितनी बार आया हुआ है वहां पे, एक दो बार आया हुआ है, तो बस एक बार टैली बार्स कर लेते हैं,
बार्स, एक बार टैली बार्स की हेल्प लेते हैं। तो वन कितनी बार आया हुआ देखिए, पहले तो इसमें वेरिएबल कौन से है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल यही है, और कौन से है, 6 भी है, और कौन सा है, 7 है, नहीं 7 नहीं है, 6 है, 8 है और 9 है, है ना। चलिए तो 6 8 और 9, अब देखिए वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, तो मैंने एक बार देखा, तो उसके लिए एक डंडा लगा दिया टैली बार्स में। दूसरा दूसरा वेरिएबल में को दिया 2, तो 2 में एक लगा दो कि 2 भी एक बार आया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए 3, तो 3 में एक लगाएंगे कि एक बार 3 आया हुआ है। चलिए 4 कितनी बार है, अच्छा इस 3 के बाद आएगा 1, 1 में एक और, अच्छा क्यों 1 2 बार आ गया, 2 बार आ गया। उसके बाद 4, 4 पे एक, ये 4 भी आया हुआ है एक बार, ठीक है। उसके बाद 9, 9 पे फिर 5 पे फिर 6 पे, तो ये रहा 9, फिर 5 पे आया, 5 एक बार आया है और 6 एक बार आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, 2 4 9, इसके अलावा ये रहा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 9, चलिए 2 4 9 हो गया। इसके साथ साथ 8 और 2, ये रहा 8 एक बार आया हुआ है और 2 एक बार आया हुआ है, ये रहा 2, सिंपल। यानी कि अगर इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करो तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी 2 बार आई है, ये 2 आया है कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 4 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, 6 कितनी बार है, 1 बार, 8 कितनी बार है, 1 बार, और 9 कितनी बार है, 2 बार। इस तरीके से आप आराम से इंडिविजुअल सीरीज को आराम से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे किसमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, सिंपल। बस याद रखना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो 2 होता, मान लो 3 बार और आ गया, 2 2 और 2, अब क्या किया जाएगा, हाँ जी, तो 3 कॉलम और, मतलब 3 डंडे और बनेंगे, तो 1 2 3। तो टैली बार्स में कहता है कि जैसे ही आपका 4 हो जाए ना, ये 4 कलेक्ट हो जाए, तो 5वां डंडा जो होता है आपको ऐसे ही लगाने, 5वें डंडे पे एक ग्रुप बना देना ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो 5वां डंडा ऐसा होता है, फिर 6वां डंडा ऐसा होगा। यहाँ पे कितनी बार आया अभी टोटल, अब 2 देखो, एक बार आया है, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 बार आया टोटल। तो आप 4 बार तो ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4, 5वां डंडा होगा, 5वीं काउंटिंग वो ऐसे करोगे आप कि 5 बार आया और ये 6ठा, समझे, ताकि ग्रुप बन जाए, इजिली आप कैलकुलेट कर पाओ। अगर जैसे मान लो कोई डाटा 13 बार आया है, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको बोलेंगे हम 13, टैली बार्स में ये अमाउंट लिखा जाएगा, ये समझे। हाँ जी, इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वापस चलते हैं अपने टॉपिक, समझिए इंडिविजुअल सीरीज, जैसी सीरीज दे रखी है ना एक वेरिएबल वाली, ऐसी सीरीज को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज होती है 2 तरह की, पहली सीरीज होती है असेंडिंग सीरीज, पहली सीरीज कौन सी है, असेंडिंग सीरीज, और दूसरी सीरीज है डिसेंडिंग। असेंडिंग सीरीज कौन सी होती है, असेंडिंग सीरीज वो सीरीज होती है जो पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, सिंपल। समझाया, वो कह रहा पागल हो गया क्या मास्टर जी, ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ भाई, मैं भी ये समझाने जा रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहे ना बच्चे, इसी वजह से समझो, ध्यान से सुनिए। असेंडिंग सीरीज वो सीरीज होती है जो पहले छोटी होती है और धीरे धीरे क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, इसे बोलते हैं असेंडिंग सीरीज। और डिसेंडिंग सीरीज वो सीरीज जो पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, मतलब की धीरे धीरे छोटी वैल्यू लेते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मेरे को बोले इसी डाटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है किसमें, असेंडिंग सीरीज में, तो क्या करेंगे, 1 देखो कितनी बार आया, तो 1 आया हुआ है, 1 2 2 बार, तो लिखो 1 1, समझ में। उसके बाद 2 कितनी बार आया है, उसी में देख लेते हैं टैली बार्स में, 2 कितनी बार आया है, अब 6 बार हो गया, सॉरी कि मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया ना कुछ, इस वजह से 2 कितनी बार आया, 6 बार, तो 2 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो ये रहा 3। उसके बाद 4 कितनी बार है, 4 है 2 बार, तो ये रहा 4 4। और उसके बाद 5 5 एक बार, 6 एक बार, 7 8 एक बार, और उसके बाद 9 2 बार, तो ये रहा 9 9। तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग सीरीज, ये रहा एक्स वेरिएबल, सिंपल। और डिसेंडिंग में लगाना है तो बस इसी को उल्टा कर दो, यानी 9 9 8 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1, सिंपल, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग सीरीज। इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलो, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने क्या किया, सीरीज के 2 पार्ट किए, पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। एक सीरीज जिसमें केवल एक्स होता है, यानी कि एक ही वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। उसके 2 पार्ट होते हैं, असेंडिंग सीरीज और डिसेंडिंग सीरीज। असेंडिंग मतलब होता है पहले छोटे से बड़े पे जा रहा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, सिंपल। दूसरी सीरीज आती है हमारी कौन सी, फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज में खास बात क्या है, इंडिविजुअल से ये थोड़ी सी अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर आती है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी, यानी एक वेरिएबल के साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, यानी कि इसकी हमेशा टेबल बनेगी जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूं, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। इंडिविजुअल खत्म हो गए भाई सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में और कुछ समझाने का है नहीं। अब चालू करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, ये 2 तरह की होती है, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कितनी तरह की है? दो तरह की। पहली सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी एरे, या फिर किसी ने अगर हिंदी में पढ़ रखी हो बचपन में तो इसको बोला जाता है आवृत्ति व्यू श्रृंखला, सिंपल। दूसरी सीरीज इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज, इसको बोलते हैं हाँ जी कंटिन्यूस सीरीज, इसका दूसरा नाम होता है सतत श्रृंखला अगर हिंदी में बोला जाए तो, सॉरी सतत श्रृंखला। सिंपल हाँ जी, तो कंटिन्यूस सीरीज बोल लो या फिर आप कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज बोल लो या फिर फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज बोल लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट होते हैं दोनों सीरीज। मैंने इसमें बताया इंडिविजुअल सीरीज में इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, केवल एक वेरिएबल होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? एक वेरिएबल होता है और एक क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि ये जो दोनों पार्ट है ये किसके पार्ट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। यानी दोनों के अंदर क्या मिलेगी आपको? फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं है, इन दोनों में ही क्या मिलेगी आपको? फ्रीक्वेंसी। तो भैया डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में डिफरेंस क्या है समझिए। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो वाला एग्जांपल, वो पूरा एग्जांपल है किसका? डिस्क्रीट सीरीज का। यानी डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसमें एक्स के साथ साथ क्या मिलता है आपको? फ्रीक्वेंसी भी मिलती है। और मैंने आराम से इंडिविजुअल सीरीज को आपको चेंज करना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी किसके अंदर? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। समझ गया? डिस्क्रीट सीरीज में पूरी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू होती है, यानी कि फुल वैल्यू दिखाई जाती है। इसके अंदर कभी भी फ्रैक्शन में वर्ड नहीं आते, जैसे 22 बटे 7 या फिर ऐसे वर्ड नहीं आते, यानी 1 बाई 5, 1 बाई 2 ऐसे वैल्यू नहीं आती। इसके अंदर एक पूरी परफेक्ट यूनिट दिखाई जाती है। मैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर होता है हम फ्रैक्शन में वर्ड ले लेते हैं जिसमें डाटा का वैल्यू नहीं पता चलती, तो फिर हम किस तरीके से यूज करते हैं इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना, परफेक्ट। समझ में आ गया? अच्छा, कंटिन्यूस सीरीज दिखती कैसे है समझिए। कंटिन्यूस सीरीज आपने बहुत बार एग्जांपल सुनी होगी, ये आपको समझ में आ गया डिस्क्रीट सीरीज। चलिए कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है? कंटिन्यूस सीरीज ऐसी सीरीज जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ही पार्ट है दो सीरीज, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बस कंटिन्यूस सीरीज के अंदर याद रखना क्लास इंटरवल भी आपको मिलेगा। क्लास इंटरवल कैसे? जैसे आप बचपन में सीखा करते थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे 2, 4, 3, 2, 1 कुछ भी लिख देगा फ्रीक्वेंसी में। याद रखना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, सॉरी फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज में या फिर डिस्क्रीट सीरीज में केवल एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, 2, 4, 1, 3, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल होगा, कोई क्लास इंटरवल नहीं है। लेकिन इस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या आ जाता है? क्लास इंटरवल आ जाता है। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था। बस ये छोटी सा डिफरेंस था कंटिन्यूस सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज के अंदर, या फिर जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। समझिए भाई, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी समझा के फटाफट से खत्म करते हैं, टाइम को टाइम पास करना, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो पहले से, आपने बचपन में सीखा था ये सब चीजें। चलिए अब कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि ये चीज मैं समझा चुका हूँ, इसके कोई और टाइप्स नहीं है, इसके कोई और टाइप्स नहीं है, ये खत्म हो गया। अब चालू करते हैं कंटिन्यूस सीरीज। जो कंटिन्यूस सीरीज होती है इसके होते हैं 5 टाइप्स। कितने टाइप्स? 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज के कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। पहले टाइप का नाम होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। पहली सीरीज का नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, दूसरी सीरीज होती है इंक्लूसिव। अच्छा, कोई हिंदी में पढ़ रहा हो तो भाई इसको बोलते हैं अपवर्जी श्रृंखला, अपवर्जी श्रृंखला। ठीक है, हाँ जी, इसको बोलते हैं समावेशी श्रृंखला। भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है इसलिए देख लेना राइटिंग, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग पहले से गंदी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको पता है अगर आप पहले से देखते आ रहे हो मेरी वीडियो, तो बस राइटिंग सुधारने की देर है और वही नहीं सुधरती मेरे से। हाँ जी, शुक्र करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। अगली जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। इसको बोलते हैं खुले सिरे वाली श्रृंखला। नाम ही इसका यही है, खुले सिरे वाली। लिखूं क्या? खुले सिरे वाली श्रृंखला। अगली होती है भाई कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मतलब सीएफ सीरीज। हिंदी में बोलते हैं संचयी आवृत्ति श्रृंखला। इतना तो लिख लो यार, संचयी आवृत्ति लो, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना वो भाई, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। आगे चलते हैं, लास्ट सीरीज आती है मिड वैल्यू सीरीज। वो कह रहा भैया टाइम की परवाह मत करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम नहीं है, मेरे तो व्यूज बढ़ जाएंगे ना एक्स्ट्रा। ठीक है, जितनी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन वेस्ट आपका टाइम हो जाएगा, क्योंकि पेपर तुम्हारे पास आ रहे हैं मिड वैल्यू। इसको बोलते हैं मध्य
मूल्य श्रृंखला, ठीक है भाई। हाँ जी, मिड वैल्यू सीरीज, ये कंटिन्यूस सीरीज जो होती है वो पांच तरह की होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई जो सीरीज है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर कोई वेरिएबल मतलब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बस खाली वेरिएबल वेरिएबल होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसके टाइप्स दो होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज। आगे चलते हैं, दूसरी टाइप की सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स दो होते हैं, पहला डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स और एफ दिया होता है, और जो इन मतलब की कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन उसके साथ साथ एक्स वेरिएबल की जगह क्या जाता है, क्लास इंटरवल आ जाता है, 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके का। अब कंटिन्यूस सीरीज के होते हैं पांच टाइप्स, समझ गए, और यही टाइप्स आपको सीखने हैं। और जैसे आपने ये टाइप सीख लिए आज की वीडियो कंप्लीट, पूरी खत्म। ये पांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, जैसे आपने कर लिए आज की वीडियो खत्म, दूसरी कल की वीडियो करेंगे हम जिसके अंदर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखेंगे। अच्छा, इसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा है, तो वो टाइप नंबर ये वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज। बच्चों को समझ में ही नहीं आती ये वाली सीरीज कि है क्या, और एग्जाम वाला क्वेश्चन भी इसी में से दे देता है कई बार उठा के, तो उसके ऊपर ध्यान से फोकस करना। बाकी ये सब सीरीज तो नॉर्मल नॉर्मल है, आप आराम से सीख जाओगे। एक बार देख लो रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज नहीं हो रहा, चले बाकी की तरह ये दिक्कत होता है भाई, मैं रिकॉर्ड करता जाऊँ, है ना भाई। चलिए, रिकॉर्ड तो हो रहा है फिलहाल, होता है भाई कई बार दिक्कत हो जाती है, कुछ शुरू करते हैं फिलहाल। एक्सक्लूसिव सीरीज, अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है वो समझते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज कहाँ पे समझाऊँ, यहीं पे कर लेते हैं इसी के नीचे, ठीक है। चलिए, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, देखो मैंने बताया ये सब किसके पार्ट है, ये सब पार्ट है कंटिन्यूस सीरीज के। तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, क्लास इंटरवल मिलेगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज ऐसी होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें फ्रीक्वेंसी 2, 4, 2, 1, 2, किसी भी तरीके से मर्जी आपकी, जो आपको लिखना चाहो आपको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज की खास बात क्या होती है वो समझते हैं एक बार, कि एक्सक्लूसिव सीरीज है क्या, क्यों डिफरेंस है बाकियों से। अच्छा, उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो समझा दूं। जैसे ये साइड की क्लास इंटरवल है, पूरी पूरी क्लास इंटरवल में ये वाली जो वैल्यूज होती है ना, जितनी भी है इस साइड वाली, यानी 0, 10, 20, 30, 40, है ना भाई, ये सारी जितनी भी वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू को बोला जाता है L1। क्या बोलते हैं इसे, L1। L1 मतलब होता है लोअर लिमिट। देखिएगा, नहीं दिख रहा भाई, समझ गया ना मैं भाई, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप दिख पाओ आराम से, ठीक है, देखिए ध्यान से, चलो ना, ठीक शुरू करते हैं। ये वाली जो सीरीज होती है, ये सारी वैल्यू जितनी भी है 10, 20, 30, 40, इन सबको बोला जाता है L1। L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हिंदी में बोलते हैं निचली सीमा। क्या बोलते हैं इसे, निचली सीमा, हाँ जी। और L1 की जगह इसको कई बार LL के शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी यूज कर लिया जाता है, LL मतलब लोअर लिमिट। और ये सारी जो वैल्यू है, ये सारी की वैल्यू को बोला जाता है मतलब L2। L2 मतलब क्या होता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं कई बार UL। UL मतलब क्या होता है, अपर लिमिट, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगली वर्ड, ये जो 0 से 10, 10 से 20, ये जो है ना, ये क्लास जो रखे इसको बोलते हैं क्लास, यानी कि क्लास मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब होता है 0 से 10, 10 से 20। यानी अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्लास बताओ, तो फर्स्ट क्लास मतलब 0 से 10, सेकंड क्लास मतलब 10 से 20। अगर मैं बोलता हूँ फोर्थ क्लास बताओ, तो फोर्थ क्लास कौन सी है, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी, ये चौथी, यानी चौथी क्लास कौन सी है, 30 से 40। इतना सिंपल है, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे, परफेक्ट, समझ रहे हो तुम। अगली बात, बात करते हैं आपके एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो क्लास होती है, क्लास के अंदर डिफरेंस कितने का है। जैसे कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10 है, 0 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का, बहुत अच्छे। 30 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का। कैसे निकाला आपने डिफरेंस, सॉरी भाई कुछ बच्चे हैं निकट टू जो शोर मचा के चले जाते हैं, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। फिलहाल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने जो डिफरेंस निकाला, डिफरेंस मतलब क्या होता है, इनका डिफरेंस, वो कैसे निकाला आपने, आपने L2 में से माइनस कर दिया L1 को, यानी कि ये L2 में से L1 को घटाया, तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड को कई बार हम सी से दिखाते हैं, कई बार हम एच से दिखाते हैं, कई बार हम आई से दिखाते हैं, मतलब जो इनका डिफरेंस है उसको सी एच आई कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में फॉर्मुला पढ़ा होगा मीडियन का, मीडियन का फॉर्मुला क्या होता है, L1 प्लस में एन बाई टू माइनस में सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। तो यहाँ पे जो एच यूज हो रहा है, कई बार मैथ्स के अंदर जब पढ़ते थे बचपन में 10वीं क्लास में, तब आई यूज किया जाता था, या फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तो वहां पे सी यूज किया जाता था। तो इस तरीके से आई एच और सी कुछ भी यूज कर लेते हैं वो लोग, इतना समझ में गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैग्नीट्यूड को हम आई सी एच कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, हमेशा L2 माइनस में L1, सिंपल इतना, बहुत अच्छा। लास्ट टॉपिक जो आपको समझाना रह गया वो समझा देता हूँ एक बार, टॉपिक का नाम आता है मिड वैल्यू। देख लो दिख रहा है या नहीं दिख रहा,
और क्लास कहाँ तो ले जाऊंगा मैं, गिरा गए। हाँ जी, टॉपिक का नाम आता है क्या, मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू क्या होती है समझिए, मिड वैल्यू मतलब होता है इनकी बीच की वैल्यू। जैसे जीरो और दस के बीच में क्या आया, जीरो दस के बीच में क्या आता है, वो कह रहा है नौ। हाँ मतलब मानता हूं मैं जीरो और 10 के बीच में बहुत सारी वैल्यू होती है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो नौ भी आता है उसके अंदर। लेकिन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की बात कर रहा हूँ कि मिड वैल्यू में क्या आता है उनके बिल्कुल बीच में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो छह और मैंने बोल दिया आठ के बीच में क्या आता है, छह और आठ के बीच में तो सात आता है। अगर मैंने बोल दिया जीरो दस के बीच में आता है तो आप क्या करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सब आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, अब इनमें हमें जीरो और दस के बीच में लेना है तो क्या क्या चीजें आएंगी। अरे जीरो दस लेना है तो जीरो दस ले लो, तो एक साइड का इस साइड हटाओ, ये हटाओ ये हटाओ, दूसरा हटाया तीसरा हटाया, तीसरा भी हटा गया, और चौथा पांचवा यहाँ से हटा दो, चौथा पांचवा यहाँ से हटा दो, तो बीच में क्या फंसा, बीच में रह गया पांच, तो इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। और ये मिड वैल्यू कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस में L2 अपॉन में 2। क्योंकि हर बार तो ऐसा कर नहीं पाओगे, जैसे हर बार ऐसे थोड़ी करोगे, मैंने बोल दिया मान लो 20 और 30 के बीच की वैल्यू बताओ मिड वैल्यू क्या होगी, तो आप बार बार ऐसे करोगे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर पांच यहाँ से हटाओगे पांच यहाँ से हटाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके डाटा ऐसा हो जाएगा 100 और 200 के बीच में बताओ, तो क्या आप ऐसे करोगे 100 101 102 103, समझ में ऐसा नहीं कर पाओगे ना। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है L1 प्लस में L2 अपॉन में, ऐसे कैसे होगा, जैसे 20 और 30 के बीच में निकालना है तो ये 20 जमा में 30 डिवाइड बाय 2, 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 बटे में 2 कितना हो गया 25, तो आपकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। 20 और 30 के बीच में मिड वैल्यू क्या आती है 25, इतना सिंपल। बहुत अच्छे समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे ऊपर, ठीक है समझ लो भाई। हाँ जी शुरू करते हैं यार, एक कैमरा मैन रखना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा तुम देखना वेखना चालू कर दो, थोड़ा सा फेमस वेमस कर दो तुम्हारे भाई को, कैमरा वैमरा अच्छा सेटअप कर दें, है ना, कैमरा मैन लगा दें अलग से, बोर्ड अलग से सेटअप हो जाएगा, जिसमें बोर्ड वैसा वाला डिजिटल आ जाएगा, अच्छे से समझाना हो जाएगा सब चीज़। चलो फिर भैया समझ में तो आ रहा है ना, समझ आ रहा हुआ पक्का, अगर समझ आ रहा है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके जाना पक्का आराम से, ठीक है। अरे तुमने पहले कर रखा है कोई बात नहीं, अगर तुमने पहले कर रखा है ना सच बता रहा हूँ, इतना दिल खुश हो जाता है ना तुमसे सुन के, भैया हमने पहले कर रखा था आपसे करने से कहने से पहले, मजा समझ आता है। मतलब जिसने पहले से कर रखा है ना भाई, सब सच बता रहा हूँ, सच में दिल से कलेजों से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग से जो बाल है ना बालों से भी थैंक यू आपको, अगर आपने पहले से कर रखा है। और जिसने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आराम से कर दिए, कोई आपत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी यही हो, है ना भाई। चलिए छोड़ते हैं वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने बताया क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है, ये जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको बोलते हैं हम क्लास। एक्सक्लूसिव सीरीज की खासियत क्या होती है समझिए, एक्सक्लूसिव की सीरीज की खासियत होती है कि ये जो इसकी पहली क्लास की ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट मतलब ये सारी वैल्यू अपर लिमिट होती है, ये सारी वैल्यू लोअर लिमिट होती है, तो पहली क्लास की जो इसकी अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती है, समझ में आ गया, इसकी ये वाली वैल्यू बराबर है। या फिर आप कह सकते हो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, इस एक ऐसी सीरीज जिसकी सेकंड वैल्यू सॉरी सेकंड क्लास की अपर लिमिट थर्ड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती है, समझे, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होगी, एक ऐसी सीरीज, इट इज अ सीरीज इन व्हिच चलते हैं अपर क्लास वैल्यू ऑफ क्या बोल मैं भूल गया वापस, अपर लिमिट क्या था वो, अपर लिमिट थी ना, हाँ जी, इट इज अ सीरीज इन व्हिच अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, सिंपल सा, इस तरीके से आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो। एक ऐसी श्रृंखला जिस श्रृंखला की प्रथम वर्ग, क्लास मतलब होता है वर्ग, प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा दोनों क्या होती है समान होती है, उस वर्ग उस चलते हैं सीरीज को या फिर उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज अपवर्जी श्रृंखला कहा जाता है, सिंपल ना। ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशन बना के आप कर सकते हो, इतने बड़े हो चुके हो आप, आगे चलते हैं फिलहाल, इतना समझा गया हो। दूसरी चीज बात आती है एक्सक्लूसिव सीरीज के बाद इंक्लूसिव सीरीज की, अब ये इंक्लूसिव सीरीज क्या है समझिए, जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज का सेम ऐसी होती है इंक्लूसिव सीरीज, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी रहेगी, क्लास इंटरवल यहाँ पे भी रहेगा, बस इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे रहेगा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 31 सॉरी 39, ठीक है 30 से 39, इस तरीके से 2 9 2 1, ठीक है भाई। अच्छा तो इस तरीके से आपकी अगर कोई सीरीज दिख रही है जिसमें पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब जिसकी दोनों साइड बराबर हो, ज्यादा घुसड़ मिचड़ हो गया, साफ साफ लिख देता हूँ भाई, ठीक है नोट तो कर लिया होना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। हाँ भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50 भी था, चलो हाँ जी
एक्सक्लूसिव सीरीज क्या? एक ऐसी सीरीज जिसकी पहली क्लास की अपर लिमिट बराबर होती है दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज जिसकी पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती। अब एग्जाम में क्या बोलेगा, इस सीरीज को चेंज करो इस सीरीज में, इंक्लूसिव सीरीज को चेंज करो हमेशा किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्योंकि जब भी आपका बोलेगा ना मीन मिनर मोड, या तो इंडिविजुअल का बोलेगा या फिर डिस्क्रीट का बोलेगा, तो मैंने इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में चेंज करना सिखा दिया आपको, ठीक है, और या फिर वो बोलेगा एक्सक्लूसिव सीरीज को, तो अगर ये सारी सीरीज देगा ना तो पहले इन सभी सीरीज को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करें वो समझते हैं। देखिए इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें दोनों वैल्यू बराबर है और इसमें दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो दोनों वैल्यू को बराबर कैसे बनाया जाए, दोनों वैल्यू को बराबर बनाने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, एक तरीका है आपके पास। देखिए जैसे लिखा हुआ है, छोटा सिंपल सा टॉपिक लेता हूं पहले समझाने के लिए। मान लेते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज लिखी हुई है 1 से 9 और उसके बाद 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39। अब इस इंक्लूसिव सीरीज को हमें बनाना है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, तो कैसे बनाएं? देखिए इसकी पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे, इंक्लूसिव सीरीज। अब इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है कैसे करें, देखो इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हमें क्या बनाना है, बराबर बराबर, या तो मैं इन सब को दो दो से बढ़ा दूं, अगर मैं दो दो से बढ़ा दूंगा तो फिर ये सब क्या बन जाएंगे, इसके बराबर आ जाएंगे। जैसे 9 को 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 11, 19 में 2 जोड़ दिए 21, 29 में 2 जोड़ दिए 31, बराबर आ गई सारी वैल्यू, परफेक्ट। या फिर मैं एक तरीका कर सकता हूँ कि इन सबको दो दो से घटा दूं, अगर मैं इन सबको दो दो से घटा भी देता हूँ तब भी वो बराबर जाएंगे। जैसे 11 में से 2 गए 9, 21 में से 2 गए 19, 31 में से 2 गए 29, तो मैं दो, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं पार्शियलिटी किसके साथ होने वाली है। तो सिंपल सा लॉजिक आप आजमाते हैं इसमें, इन दोनों में डिफरेंस कितना था बराबर बनाने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस, देखो मैं इन दोनों डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, बच्चे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जो कि बोल देते हैं भैया 9 का डिफरेंस है, सॉरी 8 का डिफरेंस है, 9 में से 1 घटा के 8 का डिफरेंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसका और इसका डिफरेंस बताओ, सुनिए 9 और 11 का डिफरेंस कितने का, 9 और 11 का डिफरेंस है 2 का, सुनिए, हाँ जी। अब ये जो 2 है ये इसमें या तो बढ़ा दो या फिर इसमें 2 घटा दो, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इसका आधा करो, 2 का आधा कितना हो गया 1, जो भी वैल्यू आएगी ना डिफरेंस के तौर पे उसका आधा, और वही वैल्यू यहाँ पे तो ऐड कर देनी और यहाँ पे माइनस कर देनी है, तब आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाएगी। समझ आया, जो इनका डिफरेंस आया उसका आधा कर दो बस, जो इनका डिफरेंस आया उसका आधा करना है, आधा करते के साथ ही यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। जैसे कि यहाँ माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 1 गया 10, 21 में से 1 गया 20, 31 में से 1 गया 30, और यहाँ पे 9 और 1 10, 19 और 1 20, 32 और 1 30 और 39 और 1 40, सिंपल। हाँ जी, आपने चेंज कर ली एक्सक्लूसिव सीरीज में, कह रहा भैया ये तो सिंपल था, इसको बताओ इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देख लो सेम, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 9 और 10 में, 9 और 10 में डिफरेंस है भैया 1 का, उसका आधा कर दो, तो उसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा 0.5। अब जो 0.5 आया वो क्या करना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस जैसे उसमें किया था, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगी सीरीज, देखिए इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, और ये हो जाएगा 9 में प्लस करेंगे तो 9.5, 10 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.5, सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस। हाँ जी, जैसे ये माइनस कर लो पहले, 20 में से 0.5 गए तो 19.5, 30 में से 0.5 गए तो ये हो गया 29.5, ठीक है, और इससे 19 में जोड़ देंगे 0.5 तो हो गया 19.5, 29 में जोड़ देंगे तो 29.5, 39 में जोड़ देंगे तो 39.5, सिंपल। इस तरीके से आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बना सकते हो, ये वाली वैल्यू और इसके वैल्यू के बराबर हो चुकी है, यहाँ पे 2, 9, 2, 1 फ्रीक्वेंसी वही रहेगी सेम, बस ये बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव से हमने किस में चेंज करना सीख लिया, एक्सक्लूसिव सीरीज में, समझ गया, जिसको करना है भाई आराम से नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना भाई, समझा तो अच्छे तरीके से रहूँ, मगर आप पर डिपेंड करता है कि आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। आगे चलते हैं भाई, नोट कर लिया होगा, ठीक। टॉपिक का नाम आता है सर ओपन एंडेड सीरीज। देखिए ओपन एंडेड सीरीज क्या है, हाँ जी, टॉपिक का नाम आता है ओपन एंडेड सीरीज, बहुत सिंपल सीरीज है, जैसे आपने पहले किया था, बस ये क्या होती है ओपन एंडेड सीरीज है, मतलब ये दोनों एंड से, चाहे ऊपर वाला एंड हो चाहे नीचे वाला एंड हो, दोनों एंड से खुली होती है, यानी कि ये सीरीज कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे कि लेस देन 10 और उसके बाद लिखा हुआ होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसके बाद लिखा होगा मोर देन 40, यहाँ पे 2, 4, 9, 1, 2 कुछ मान लेना है, कहाँ गई फ्रीक्वेंसी इसकी, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई क्लास इंटरवल। तो ओपन एंडेड सीरीज, अच्छा ये एग्जांपल ओपन एंडेड सीरीज का है, इसका नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ओपन एंडेड सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जो दोनों एंड से ओपन होती है, यानी कि यहाँ से भी ओपन है यहाँ से भी ओपन है, यहाँ पे लिमिट लगा रखी है कि 10 और 20
यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो 10 और 20 की वैल्यू वो इनके बीच में वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 20 और 30 की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 20 से छोटी वैल्यू नहीं लेनी, 30 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, जो भी वैल्यू 20 और 30 के बीच में वो लिखी जाएगी बस खाली। यहाँ पे 30 और 40 के बीच की वैल्यू लेनी है, ना 30 से छोटी आएगी ना 40 से बड़ी आएगी, समझे? ये लिमिट दे रखी है इन सबकी लिमिट, ठीक है? इसलिए बोलते हैं इसे लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लेकिन ओपन एंड सीरीज होती है जिसकी एंड्स में कोई लिमिट होती ही नहीं है, यानी लोअर लेस देन मतलब 10 मतलब लेस से कितनी भी कम, चाहे वो मतलब कि 2 दे दे तब भी लिखना है, माइनस कर दे दे वैल्यू तब भी लिखना है इसी के अंदर। यहाँ पे भी 40 से ज्यादा मतलब ऐसे नहीं 40 से 50 वाली वैल्यू, 60 65 70 100 1000 करोड़ कोई सी भी वैल्यू दे दे वो यहीं पे लिखी जाएगी 40 से मोर देन वाले में, है? कोई दिक्कत नहीं ना। आज इसको बोलते हैं मोर देन सीरीज। अच्छा एक छोटी सी चीज और बतानी रह गई इसी टॉपिक के अंदर जिसके ऊपर वो न्यूमेरिकल था, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन है बस खाली, वो सारे टॉपिक बता दिए मैंने और जो बताने रह गए थे सीरीज वो टॉपिक ये थे। एक्सक्लूसिव सीरीज ऐसी होती है जिसके अंदर क्लास बनानी पड़ती है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी में 2, 9, 1, 4, सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर कि आप 10 10 का ही गैप का वो जो है क्लास इंटरवल लोगे, आप यहाँ पे 0 से 20 की या फिर 20 से 40 की ऐसे क्यों नहीं बनाते, मतलब कि ये डिफरेंस क्या लिया जाएगा? कोई डाटा दे दिया मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको 1, 2, 3, 4 मान लो ऐसे ड्रॉ डाटा दे रखा है बस खाली, आपको 500, 600 इस तरीके से कोई भी डाटा लिखा हुआ है, वो कह रहा है आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में, मतलब कि 0 से 10, 10 से 20 ऐसे कैटेगरी बनानी है। मैं जैसे आपको मान लेते हैं नॉर्मल डाटा दिया है जैसे कि 1, 2 उसके बाद 59 उसके बाद 46 345 104 256 इस तरीके से आपको कोई भी डाटा दे दिया 1, ठीक है? इस तरीके से आपको कोई भी डाटा दे दिया बस इतना ऐसे ही, ठीक है? तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्लास इंटरवल में कैसी सीरीज बनानी है या फिर किस तरीके से बनाओगे क्लास इंटरवल इसकी, समझे? ठीक। तो मतलब ये छोटे से क्वेश्चन है, वहां पे बड़े क्वेश्चन थे तब, मतलब मैं सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ, कितनी क्लास इंटरवल वाली सीरीज बनेंगी वो बताओ, यानी जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 4 क्लास से बनाई है, तो नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो बताइए। भैया दिख रहा है इसके ऊपर यार, हर बार यही दिक्कत होती है यार, जो कि फॉर्मूला क्या है, k. K कैसे निकलता है? K निकलता है 1 प्लस में 3.322 log n, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको बताएगा नंबर ऑफ क्लासेस का। कई बार क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं आपसे कि नंबर ऑफ क्लासेस बताइए, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो सकती हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ क्लासेस बताना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने डाटा लिया था उसके अंदर 5-6 वैल्यू थी, तो इनकी जगह वहां पे 5-6 वैल्यू पुट करेंगे, मान लो 6 पुट कर दिया, तो अब टेबल में चेक करना कि log 6 की वैल्यू क्या होती है, जो log 6 की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.322 से और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस 1 कर देंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे n, हाँ तो ये फॉर्मूला बन गया भाई किसका, नंबर ऑफ क्लासेस निकालेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद से लिख लेना, ठीक है? चलिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पे बहुत चीज होगी, यहाँ पे गलती हुई, तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि आपको निकालना है k, कि कितने क्लास आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसी 4 क्लासेस जैसे यहाँ पे, ठीक है? तो कितनी क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है? जिसके लिए आपको नंबर दे रखा है 100। दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर दे रखा है आपको कितना, 10,000। जो आपके पास डाटा है उसमें नंबर कितने देखे, मतलब फ्रीक्वेंसी की संख्या कितनी है, वो एक में 100 है, दूसरा डाटा एक और उसमें कितनी है, 10,000 है, तो फ्रीक्वेंसी निकालो, दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलिए जी सॉल्व करते हैं, समझिए के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में 3.322 लॉगरिथम n। अब n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, पहले क्वेश्चन के हिसाब से 100 पुट करनी है, तो यहां पे हम करेंगे 1 प्लस में 3.322 log 100। अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल देखनी है, लॉग की टेबल आपको पढ़नी आती होगी, ठीक है? नहीं पढ़नी आती तो भाई किसी और टेबल में समझाऊंगा, अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं है, ठीक है? या फिर आप गूगल पे चेक करोगे लॉग कैसे पढ़ते हैं, वो आराम से मिल जाएगा आपको टेबल सिखाने वाला, ठीक है? चलिए तो आपको लॉग 100 की वैल्यू चेक करनी है, मैंने पहले से ही नोट करके लिख रखी थी, हाँ ये नहीं, तो लॉग 100 की जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3.322 से। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना, फोन से तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वजह से कर नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले करके देख लिया। तो ये आपकी वैल्यू आई थी, क्या बोलते हैं, कितनी, 1 प्लस में 5.1 प्लस में
यानी कि लो 100 की वैल्यू आई, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से, तो आपकी वैल्यू ये वाली आ गई। पेपर में ना एग्जाम्स में आपको दे देगा ये वाली वैल्यू, अगर होना हुआ तो, अगर आया ना हुआ क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 7.64, 7.6448। ठीक है, हाँ जी। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो क्लास कितनी बनेगी, तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे, राउंड ऑफ करते के साथ ही आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेगी, 8। यानी कि अगर मान लो हम बना रहे हैं डाटा तो 0 से 10, 10 ऐसे करते थे, आपको कितनी क्लासेस बनानी है, 8 क्लासेस बनानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन दूसरा हमने लिया था 10,000 वाला, 10,000 वाला बस कुछ नहीं करना, एन की जगह यहाँ पे 100 की जगह कितना आ जाएगा, 10,000, सिंपल। और 100 की जगह 10,000 आ जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज होते साथ ही कितना हो जाएगा, 13.288। ठीक है भाई, हाँ जी, 13.288। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, 13 और 1 हो गया 14.288, और इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 14 ही रह जाएगा, क्योंकि आगे वाली जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, कम है, तो इस वजह से राउंड ऑफ करने पे वही वैल्यू रह जाती है जो नॉर्मल वैल्यू होती है, 5 से अगर ज्यादा होती है आगे वाली वैल्यू तो फिर वो क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, सिंपल। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू आ गई क्लास, मतलब कितनी आई, 14, तो इसके अंदर 14 क्लासेस बनेंगी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक पूछ सकता है सर बताइए रेंज, या फिर जिसको मैंने बोला था मैग्नीट्यूड, यानी जो क्लास बनाओगे उनका डिफरेंस कितना रहना चाहिए, मतलब जैसे ये 0 है और ये जो 10 है, हमने कितना डिफरेंस ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है डिफरेंस 10 का, जैसे यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है ना, ऐसे जब आप क्लास बनाओगे क्लास इंटरवल, तो फिर डिफरेंस कितना रहेगा, देखो डाटा तो आपको ऐसे देगा जैसे कि 2, 3, 5, 9, 2, 300, ठीक है, क्या बना रहा हूँ, 300, 500, 700, इस तरीके डाटा देगा, और वो बोलेगा कि अब इसमें इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो बताइए डिफरेंस क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हाँ जी, चलो करते हैं। तो ये जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं सर आई, मैंने बताया था ना, ये जो डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, रेंज नहीं कह रहा, मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एम ए जी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये निकलता है, इसको बोलते हैं आई, ठीक है, या फिर एच, या फिर बोल दो आप सी, कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइड बाय 1 प्लस में 3.322 लॉग एन, जो आपने पहले निकाला था नंबर ऑफ चलते हैं नंबर ऑफ क्लास, उस नंबर ऑफ क्लास रेंज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लास से। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है नंबर दे रखा है मतलब 400 फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि ऐसे ऐसे वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने नंबर गिने, कितनी वैल्यूज है 400, कह रहा है लोअर लिमिट जो है 300, यानी सबसे छोटी वैल्यू जो दे रखी है वो 300, जैसे इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2, L2 मतलब अपर वैल्यू, अपर लिमिट कितनी है 1300, जैसे इस डाटा में सबसे अपर कौन सी लिमिट है 7000, तो वो अपर लिमिट हो गई, ऐसी डाटा के अंदर अपर वैल्यू, कह रहा है लोग 400 की वैल्यू है, ये है, अगर कहीं पे यूज होती है तो यूज कर लेना, ठीक है, लोग 400 की वैल्यू है, हाँ ठीक है, लोग 400 की वैल्यू ये है और कहीं पे यूज होती है तो यूज कर लेना, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, निकाले, चलिए तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रेंज, रेंज कैसे निकलता है, रेंज मतलब डिफरेंस कितने का है, L2 माइनस में L1 करके, तो L2 कितना है 1300, L1 कितना है 340, वो कह रहा भैया L2 माइनस में L1 आपने बताया था मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो ये रेंज कैसे हो गया, समझो मैग्नीट्यूड क्या, जब आप इस क्लास का डिफरेंस निकालते हो तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसको HC या फिर I से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, और वो निकाला कैसे, L2 माइनस में L1 मतलब कि क्लास वाली लिमिट ले गए, क्लास वाली लिमिट, लेकिन जब भी हम रेंज निकालते हैं ना, रेंज का मतलब होता है पूरे डाटा की रेंज, पूरे डाटा की रेंज मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये हाईएस्ट वैल्यू, तो रेंज निकालने के लिए पूरी स्मॉलेस्ट वैल्यू और पूरी हाईएस्ट वैल्यू ली जाती है, कभी भी ये वाली नहीं ली जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड होता है हर एक क्लास का डिफरेंस, और ये होता है पूरी रेंज मतलब पूरे का डिफरेंस, तो हमें पूरे का डिफरेंस को जितनी क्लास बना रहे हैं उससे डिवाइड करना है, बस खाली सिंपल और कुछ नहीं कर रहे, तो पूरे डिफरेंस कितने का था, तो L2 माइनस में L1 यानी कि 1300 माइनस में 340, 1300 में से 340 गए, भाई ऐसे कर लो ना, 1300 माइनस में 340 और अपॉन में 1 प्लस में 3.322 लॉग n, सुन मैं, अब n की वैल्यू क्या बोल रखी थी उसने, n की वैल्यू बोल रखी थी उसने 400, चलिए चालू करें, हाँ जी, 1300 में से 340 गए, तो 300 चले गए, 960 बच गए, तो बच गया 960 प्लस में 1 प्लस में 3.322 से मल्टीप्लाई करना है इसको, लोग 400 को, लोग 400 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, यानी हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3.322 मल्टीप्लाई बाय, लोग 400 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 26021, और मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है भाई ऑलरेडी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका पता है कितना आएगा, ये आ जाएगा क्या आएगा, 9.644, तो आपका आ गया 960 अपॉन में 1 प्लस में 9.644, सिंपल था ये है ना, हाँ जी ये फिलहाल, तो आपकी वैल्यू ये वाली आ गई, आगे चलते हैं, अब 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि ये सीधा सॉल्व होके आ गया
10.644 और 10.644 को जब आप इससे डिवाइड कर दोगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 99.54, तो ये आ गया 99.54, तो ये आपकी क्लास बन रही है। यानी कि अप्रोक्स ले लो, अब अप्रोक्स किस पे जा रहा है, ये जा रहा है 100 पे, यानी जो क्लास का डिफरेंस बनेगा वो कितने का बनेगा, 100 का, यानी जो एच आ गया मैग्नीट्यूड आया वो कितने का आया, 100। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक एक नंबर के या फिर दो दो नंबर के, कई बार होता है तीन नंबर में आ गया एग्जाम्स में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, सिंपल इतना, बढ़िया आगे चलते हैं। समझ आ गया ना भाई, परफेक्ट तरीके से ना, बहुत अच्छे। मैं फिर बता दूं, जो डिफरेंस मत करना, मतलब दोनों में डिफरेंस मतलब समझ लेना अच्छे तरीके से, जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक क्लास का, उसके डिफरेंस मतलब एक क्लास का डिफरेंस कितना है, और जो रेंज होता है पूरी डाटा का, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और पूरे डाटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू उनका डिफरेंस। तो जो पूरी रेंज है उसमें से हम कितनी क्लास बनाने वाले थे, जैसे वो निकल जाता है इस फॉर्मूले से, तो उससे डिवाइड कर दो, आराम से पता चल जाएगा आपको कितने का रेंज निकालना है, हर एक डाटा में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, सिंपल। अब हम किस पे आ गए थे, अब हम आ गए सी एफ सीरीज पे, मिटो तो भाई फ्राम से नोट कर लिया होगा ना आपने, ठीक स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लेते यार, मैं बार बार थोड़ी ना वेट करूँगा उसका, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, लेट हो रहा हूँ मैं, बताओ मम्मी घर पर इंतजार कर रही होगी, समझते नहीं तू है ना, अब तुम्हारी आंटी है भाई इंतजार करेंगी, जाहिर सी बात नंबर तो छुपा दिया यार, ठीक है चलो दिख रहा है, नीचे कर लेता हूँ, लिखना तो नीचे है ऊपर क्या दिख रहा है ना भाई, चलिए सुनिए ध्यान से। अब आता है मिड वैल्यू सीरीज, भाई जल्दी कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है मिड वैल्यू सीरीज, बाद में करेंगे लास्ट टॉपिक सी एफ सीरीज, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है पहले चालू करते हैं मिड वैल्यू। अब मैं मिड वैल्यू करवा रहा हूँ उसके बाद, अब ये मिड वैल्यू सीरीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सक्लूसिव दे देगा, बोलेगा मिड वैल्यू निकालो, एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देगा 0 से 10, 10 से 20, कह रहा क्यों करवा रहे हो, आता तो है ये 3 से 40, 40 से 50 भाई, फॉर्मेलिटी मान लो कि भैया फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, 2-3 मिनट आगे स्किप कर चले जाना, ठीक है उसकी फीस नहीं काटूंगा मैं तुम्हारी, फीस तो तुम पे दे मिलते वैसे भी सॉरी भाई, ठीक है बुरा लगा किसी को, दे रहे हो भाई तुम भी, कई बार बच्चे हैं नोट्स परचेस कर लेते हैं तो फिर खो जाती है अपनी इनकम, है ना चलो करते हैं फिलहाल। तो मिड वैल्यू सीरीज, अब इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू में होता क्या, बस खाली मिड वैल्यू निकालो, फॉर्मूला बताया था तुम्हें L1 प्लस में L2 अपॉन में 2 है ना भाई, तो 0 10 हो गया 10 10 को डिवाइड करेंगे 5, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आ गई, अगले की 15, अगले की 25, अगले की 35 और अगले की 45, 45, तो ये बन गई मिड वैल्यू सीरीज, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। अब एग्जाम में कई बार क्या होगा, खाली मिड वैल्यू दे देगा, जैसे कि मिड वैल्यू दे रखी है आपको और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी कितनी, 5 15 25 और 35, 2 4 9 1, ठीक है ऐसी वैल्यू दे दी, बोल रहा है अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या निकालनी है एक्सक्लूसिव सीरीज, आओ आंसर में देखो भाई, ऐसी गंदी बात होती है ऐसे नहीं देखते, ठीक है हाँ समझ जाओ, ऐसे नकल नहीं मारते, समझो ध्यान से, मिड वैल्यू सीरीज से आपको क्या निकालना है एक्सक्लूसिव सीरीज, कह रहा सिंपल तो है 0 से 10, 10 से 20, और तुमने वो नकल मार रखा है, नकल मार के नहीं बोल रहा करने के लिए, बिना नकल मारे करो, कैसे करोगे, अच्छा आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, आप करके दिखाओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर छोड़ो ना इसी को समझा देता हूँ मैं कैसे निकलता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी है, तभी तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, एक लोअर लिमिट होती है L1 और एक होता है L2 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी जाती है ना, चलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है इसका समझो, L1 का फॉर्मूला है हाँ ठीक है, L1 का फॉर्मूला है जो भी मिड वैल्यू है ना उसमें से माइनस करना है H/2, एच बताया था मैंने आपको, वही आई वही सी बोलते हैं जिसे, अरे मैग्नीट्यूड डिफरेंस जो भी डिफरेंस होता है, हाँ समझ गया तुम, ठीक मिड वैल्यू में से माइनस कर दो H/2, तो इसे क्या बोलेंगे L1 आएगा, और L2 का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू में प्लस कर देना है H/2, सिंपल इतना खत्म, चालू करते हैं। देखिए L1 निकालते हैं पहले तो L1 मिड वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस में H/2, H कितना है, H मतलब इनका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 5 और 15, डिफरेंस कितने का आया 10 का, तो 10/2, आप सॉल्व कर लो, इससे कट गया 5 पे, 5 में से 5 गया 0, L1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। L2 करके देख लेते हैं, L2 का फॉर्मूला मिड वैल्यू यानी कि 5 प्लस में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 वजह से, तो 10/2, इससे कट गया 5 आया और 5 और 5 कितना हो गया 10, तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि पहला क्लास क्या बन गया 0 से 10 की क्लास, समझ में आ गया, नीचे कर देता हूँ तुम फिर बोलोगे बार बार मिटा देता हूँ, हाँ जी दूसरा कॉलम इस पे निकालना है, इस पे देखो सब पे फॉर्मूला वही लगेगा, मिड वैल्यू यानी कि 15 माइनस में H/2, H कितना है इन दोनों का डिफरेंस यानी कितने का है 10/2, तो कट गया 5 आया, 5 का 15 में से 5 गए 10, तो यानी कि L1 कितना आ गया 10। दूसरी क्लास में L2 निकालना है, तो वही तो 15 प्लस में 10/2 और ये कट के 5 आया, 5 और 15 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20, ऐसे निकाल लेना, मेरे दिमाग में पता है पहले से मेरे को क्या आंसर आएगा, मैं वही लिख देता हूँ 30 से 40, समझ गया। इस तरीके से
हम मिड वैल्यू सीरीज को किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में। याद से कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, बच्चे हल्के मिल जाते हैं इस चीज को, और इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम्स में कि एक्सक्लूसिव सीरीज। और ऐसी वैल्यू आती है जो आप दिमाग में कर नहीं पाओगे, तब आपको इस फॉर्मूले से करनी पड़ेगी, मिड वैल्यू माइनस में एच बाई टू, मिड वैल्यू प्लस में एच बाई टू। समझ गया? ठीक, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज भाई सी एफ सीरीज, उसके लिए तो मैं कहूंगा भाई मैं बोर्ड मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत थक गया मैं नीचे झुक झुक के करते हुए, थोड़ा सा बोर्ड पे मजा आ जाएगा अगर मैं थोड़ा सा सीधा हो करूंगा, है ना, तो इसमें से मिटाने जा रहा हूँ, तो नोट कर लो जिसको नोट करना है, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट तुम हो। समझते हैं सर, देखिए लास्ट सीरीज और आपका ये वीडियो खत्म, पहली सी एफ सीरीज। सी एफ सीरीज जो होती है वो हमेशा दो तरह की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से करना, दो तरह की। पहली सीरीज होती है लेस देन सीरीज, दूसरी होती है सीरीज मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज कैसे दिखती है, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। लेस देन सीरीज में हमेशा लिखा होता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। फ्रीक्वेंसी याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है 2, 4, 9, 12, 15। मोर देन सीरीज कैसे दिखेगी आपको, मोर देन सीरीज हमेशा दिखेगी आपको ऐसे क्लास इंटरवल, क्या मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। यहां पे दिखेगा 15, 12, 9, 4, 1। सिंपल भाई इतना, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो आपको भी पता है क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है लेस देन वाली सीरीज में लेस देन लिखा होता है और मोर देन वाली सीरीज में मोर देन लिखा होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मैं बताता हूं, ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं धोखा देने वाली सीरीज। हाँ जी, जैसे आपकी एक्स होती है ना, सेम उसी तरीके से ये सीरीज ऐसी है धोखा देने वाली सीरीज। क्यों? ये अपने साथ जो फ्रीक्वेंसी लेके घूम रही है ना, ये सीरीज अपने साथ जो फ्रीक्वेंसी लेके घूम रही है जिसको हम फ्रेंड बोलते हैं, ये फ्रेंड जो अपने साथ लेके घूम रही है, एक्चुअल में ये फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड नहीं है, इसको बोला जाता है, क्या बोलो यार तुम छोड़ो, इसको बोला जाता है सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब यूज नहीं करते ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, ये फ्रेंड नहीं है, ये सी एफ है, जैसा आप समझो, ठीक है। हाँ जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है ये लेस देन सीरीज भी होती है, मोर देन सीरीज भी होती है। बस ये याद रखना, यहाँ पे जो गलती से वो एग्जाम वाला यही चाहेगा, वो हर बार लिखेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वो हर बार लिखेगा फ्रीक्वेंसी, और आप इसको फ्रीक्वेंसी ही समझ जाओगे। याद रखना ये सी एफ होता है, कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो लेस देन सीरीज या फिर मोर देन सीरीज में जब भी फ्रीक्वेंसी दे तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसी मोर देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी देखी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, अब इन दोनों सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे चेंज करना है मैं वो समझा रहा हूँ। अच्छा, पहचानने का एक और तरीका है लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज को। लेस देन सीरीज हमेशा स्टार्टिंग में क्या होती है, लेस होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है। मोर देन सीरीज हमेशा स्टार्टिंग में क्या होती है, मोर होती है। सुन रहे हैं, लेस देन सीरीज स्टार्टिंग में लेस होती है, मोर देन सीरीज स्टार्टिंग में मोर होती है, मतलब ज्यादा होती है। इतना सुन रहे हैं, वापस फिर घटती जाती है। आगे चलते हैं, अब इन दोनों को चेंज करने के लिए कह रहा है, और वो कह रहा है कि चेंज करो किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है भैया क्या है इसमें, ये तो सिंपल सी है, तो हम कर देंगे। हाँ ये तुम कर दोगे, हमें पता है। जैसे लेस देन सीरीज में हमें 10 से कम जाना है, तो पहली वैल्यू क्या लिखूं, 10 से 20, नहीं ये गलती मत करना, लेस देन सीरीज है। वो कह रहा है 10 से लेस वाली वैल्यू लो, 10 से लेस वाली वैल्यू मतलब कितने का डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आना चाहिए। 10 से 10 के डिफरेंस पे कम वैल्यू कौन सी होगी, अरे 10 में से 10 घटाओ, इस 10 में से ये जो डिफरेंस है घटा दो बस। तो डिफरेंस कितना आया 10 का, 10 में से 10 गए 0। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 10 से 40, 40 से 60 ऐसा, तब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कितने डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 40 का डिफरेंस। ओ ज्यादा ही ले लिया फिर तो मैंने, चलो इसको 40 ही रहने दो, इसको कर देते हैं 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20 का डिफरेंस, तो ये 20 से कम लेनी है, तो 20 से कम क्या 10 से 20 लेकर चलोगे, नहीं है। यहाँ पे देखो कितने डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको 20 का डिफरेंस लेना है, यानी कि इन दोनों में 20 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 20 से 20 के डिफरेंस पे कम वाली वैल्यू क्या होगी, मतलब 20 में से ये डिफरेंस गिरा दो, 20 में से डिफरेंस गया यानी 20 गया, तो कितना बचा 0, तो ये 0 से लेकर चलनी है। मैं वापस चलते हैं अपने न्यूमेरिकल वैल्यू पे,
10, 20, 30 चलिए। तो अब 10 में से ये डिफरेंस घटाना है, ये डिफरेंस कितने गया 10 का, तो क्या हो गया 0 से 10 ऐसी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सिंपल इतना। अच्छा 40 से 50 भी है, सॉरी 40 से 50। अब हमें CF से किसमें चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी में, CF से फ्रीक्वेंसी में, क्यों, क्योंकि लेस देन सीरीज में CF होता है लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में CF थोड़ी ना होता, उसमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कैसे चेंज करें, याद रखना जो सबसे छोटी वैल्यू है ना पहले उसको लिखो, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमेशा माइनस करना पड़ता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए माइनस, CF निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, तो उसको लिख दो पहले 2, अब बाकी सारी वैल्यू को माइनस करते जाओ, जैसे 4 में से 2 गए 2, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 9 गए, अरे बताओ बोलते ही नहीं है, हाँ जी 3, 15 में से 12 गए 3, तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, टोटल हमेशा इसके बराबर आना चाहिए, जैसे कि 3, 3, 6, 6, 4, 10 सॉरी 3, 3, 6, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया टोटल, ठीक है भाई खत्म। एक बार इसको कर लेते हैं दोबारा से, फिर दोबारा फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, यहाँ पे 0 है और वो कह रहा है 0 से ज्यादा जाओ, तो कितना चला जाओ 0 से 500 नहीं, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो इसमें वो जोड़ दो, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 10, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 10, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 0 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी 10, 10 का डिफरेंस, तो 0 से 10। अगला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और मोर देन 40 मतलब 40 से 50 भी आ जाएगा। अब मोर देन सीरीज को आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, सीएफ सीरीज को फ्रीक्वेंसी में, कैसे चेंज करेंगे, मैंने वही बोला सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये वाली, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं माइनस, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमेशा माइनस और सीएफ निकालने के लिए प्लस। चलिए तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1, सबसे नीचे लिखा है ना वहीं पे लिखो 1। अब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे बस खाली, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 3 गए सॉरी 12 में से 9 गए 3, और 15 में से 12 गए 3, सिंपल था, इसको बोलते हैं क्या फ्रीक्वेंसी। अब फिलहाल इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कितना आ गया 3, 3, 6, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 15 का 15 इसके बराबर होना चाहिए हाईएस्ट वैल्यू, है सिंपल भाई, इतना सुन आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, चलो भाई दिखाई तो दे रहा है फिलहाल, और भाई जल्दी से करनी पड़ेगी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनती जा रही है वरना। हाँ जी अब फिलहाल भाई एक बार और चलते हैं, अब एक चलते हैं लास्ट टॉपिक, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे याद रखना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको क्या करना है अच्छे तरीके से, बाद में भूल जाओगे तुमको पता है और सब पजल हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक मैं एक्सक्लूसिव सीरीज दे रहा हूँ, और एक्सक्लूसिव सीरीज को जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज को किसमें चेंज किया एक्सक्लूसिव में, अब एक्सक्लूसिव सीरीज को चेंज कर रहा हूँ मैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और वो कैसे करेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेना बस ये, हाँ जी 2, 9, 2, 1, ठीक है भाई। अब चालू करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी ही है, ये क्लास इंटरवल ही है, चलिए इसको लेस देन और मोर देन दोनों में चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी लेस देन सीरीज मतलब क्लास इंटरवल ही लिखते हैं ऊपर, ठीक है लेस देन मतलब हम कौन सी वैल्यू लेके चले, लेस देन में 0 या फिर 10, अब जीरो से छोटा तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो 0 से छोटा क्या लेके जाओगे 10 लेके चलना है, यानी कि लेस देन 10, सेम ऐसी लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, यानी लेस देन वाली सीरीज में इस वैल्यू का यूज करेंगे, और मोर देन सीरीज में इस साइड की वैल्यू का, जैसे कि मोर देन 0 ऐसी, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन बस 30 तक है, ठीक है भाई। अब चालू करते हैं लेस देन सीरीज में, मैंने बोला था लेस देन सीरीज है, लेस देन सीरीज में स्टार्टिंग में क्या होती है वैल्यू लेस होती है, और मोर देन सीरीज में स्टार्टिंग में क्या होती है ज्यादा वैल्यू होती है, तो हमेशा चालू करना सबसे छोटी वैल्यू से, लेस देन सीरीज में छोटी वैल्यू कहाँ पे होती है ऊपर, तो स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू ऐसे लिख दो सेम, और धीरे धीरे बढ़ाना है ना उसे तो बस जोड़ते जाओ, जैसे कि 2 और 9 कितना हो गया 11, 9 और 2 कितना हो गया सॉरी 11 हो गया ना, 11 और 2 गया 13, 13 और 1 14, बस ऐसे जोड़ते जाओ, जैसे कि 2 गया 2 का 2, 9 और 2 11, ये पूरा 3 हो गया 3, 9 2 11, 11 और 2 13, अब पूरा 14, या फिर ऐसे जोड़ सकते हो जैसे आपको मन करे। अगला यहाँ पे मोर देन सीरीज में स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है, मोर होती है, तो इसमें से स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा रखनी है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाली कौन सी वैल्यू रहेगी ऊपर रहेगी जो है ना, यानी सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी नीचे, हमेशा स्टार्टिंग करना छोटी वैल्यू से, छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू सेम लिखो, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, और हम सी एफ निकाल रहे हैं ना, सी एफ निकालने के लिए हमेशा प्लस करना पड़ता है, बस प्लस लो 2 और 1 3, तो 3 और 1 3 और 9 3 और 9 हो गया 9 10 11 12 12, और 12 और 2 कितना हो गया 15, तो इस तरीके से आप आराम से मोर देन सीरीज और लेस देन सीरीज दोनों बना सकते हो, किस सीरीज की हेल्प से, एक्सक्लूसिव सीरीज की हेल्प से, सिंपल था ना भाई। मेरे हिसाब से मैंने सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझा दी आपको, और वो भी अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक काम करना दोबारा से ये वीडियो देख लेना, ठीक है,
टेंशन मत लो, आप जब इंजीनियर रिपोर्ट करेंगे ना वहां पर दोबारा से अच्छे तरीके से जब यूज होंगे इनका तो प्रॉपर तरीके से मैं समझा दूंगा दोबारा से। फिलहाल यहाँ पे खत्म हो गया भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक। अब हम करेंगे कल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो मैं कल मतलब थोड़ा टाइम लेके भाई थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है? हाँ जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ दिल से कलेजों से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है? अगर आपने पहले से नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कोई आप पता नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, ठीक है भाई? हाँ जी। और भाई एक चीज और ध्यान से समझ लो कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो 805। हाँ जी नंबर दे रखा है 8059639586। हाँ जी जो बुक है वो बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप सिंपल तरीके से इजी वे से समझना चाहते हो नोट्स में से पढ़ के फास्ट एंड फास्ट तरीके से, तो आप इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल ना? हाँ जी कोशिश करना कि व्हाट्सएप ही करो भाई, कॉल करोगे तो ज्यादा दिक्कत आती है, कभी आप बिजी मिलते हो कभी हम बिजी मिलते हैं, व्हाट्सएप में आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है? हाँ जी आज के लिए मिलते हैं कल सेम टाइम, आज के लिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं मतलब खत्म, ठीक है? बाय बाय।